नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छ महिला समृद्ध महिला पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, डीएम प्रणब कुमार ने छात्राओं को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। भागलपुर जिले में 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का होगा निर्माण, 7,20,000 लोग कड़ी बनकर पेश करेंगे एकता की मिसाल। तिलकामांझी विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव स्थगित, कुलपति ने डीएसडब्ल्यू का इस्तीफा किया नामंजूर, पीआरओ ने दी जानकारी। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जीवन जागृति ने चलाया जागरूकता अभियान, डीटीओ ने यातायात नियम नहीं तोड़ने की अपील। और बांका में खेत पटवन करने गए युवक की ट्रैक्टर से दबकर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ महिला समृद्ध महिला और जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर गुरुवार को संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। योजना घर एवं शारदा झुंझुनवाला महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी प्रणब कुमार, सदर SDO आशीष नारायण, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमा यादव, योजना घर के अध्यक्ष मानव केजरीवाल, सचिव राम गोपाल पोद्दार और प्राचार्य डॉक्टर रेखा सिंघानिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व आगत अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र, बुके और पौधा देकर किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने योजना घर के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और मानव केजरीवाल को स्वच्छ महिला समृद्ध महिला और जल जीवन हरियाली अभियान पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। डीएम ने कहा कि जिस समाज की महिला समृद्ध और शिक्षित होती है वह देश हमेशा प्रगति के पथ पर रहता है। साथ ही डीएम ने ग्लोबल स्तर पर पर्यावरण में आ रहे बदलाव की जानकारी दी और कॉलेज की छात्राओं को सजग, सतर्क और जागरूक रहने की बात कही। डीएम ने छात्राओं से जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा और बाल विवाह पर आयोजित कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की, साथ ही कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं सदर SDO आशीष नारायण ने योजना घर के कार्यों में सहयोग करने की बात कही। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमा यादव ने छात्राओं को सेनेटरी पैड, एनेमिया, महावारी और स्त्री रोग से संबंधित बीमारी की जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष मानव केजरीवाल ने छात्राओं को स्वच्छ महिला समृद्ध महिला पर आधारित कविता सुनाकर संस्था का उद्देश्य बताया और योजना घर के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जागृत समाज, मजबूत समाज बनाने पर जोर दिया। मौके पर सुमित जलोखा, अश्वनी जोशी मोंटी, जॉनी संथालिया समेत कई समाज सेवी, शिक्षक और कॉलेज की छात्राएं मौजूद थी। सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये मानव के विकास के सबसे बड़े इंडिकेटर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। यदि किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है या यदि डेवलपमेंट को हम कहीं से भी मेजर करते हैं तो वही सोसाइटी डेवलप मानी जाती है जिसके हेल्थ इंडिकेटर्स और एजुकेशन के इंडिकेटर्स ये दोनों बेहतर। भारत की यदि हम लोग बात करें तो हमें अभी काफी आगे बढ़ना है, न सिर्फ एजुकेशन के इंडिकेटर्स पे बल्कि हेल्थ केयर इंडिकेटर्स पे। हरियाली को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेक जिले में सभाएं की हैं, पेपर के माध्यम से तमाम जो यहाँ पर छात्राएं उपस्थित हैं आप लोगों को जानकारी मिली होगी। और 19 जनवरी को दिन में 11:30 बजे से 12 बजे तक इसको लेके विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक मानव श्रृंखला भी बनाई जा रही है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़े हुए भी दो विषय हैं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा। आप लोगों ने लिख कर भी रखा है यहाँ पर, दहेज अभिशाप है, बाल विवाह अभिशाप है, दहेज लेना पाप है। तो इन विषयों को लेकर दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ और सबसे बेहतर जल जीवन हरियाली के समर्थन में एक विशालतम मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। लहू के लाल रंग से ही हर इंसान जिंदा है, फिर क्यों हर महीने के लाल रंग से इंसान शर्मिंदा है। मैं औरत हूं, बिना इस रंग के मेरा वजूद नहीं, बताओ ना मुझे क्या यह रंग इतना गंदा है। माथे की लाल बिंदी तो इतनी प्यारी लगती है, लाली होठों की तो खूबसूरती की सवारी लगती है, सिंदूर भरी मांग वाली दुल्हन संस्कारी लगती है, लाल जोड़े में सजी है तभी तो नारी लगती है। फिर क्यों ये लाल रंग हमें रसोई से दूर रखता है। मैं औरत हूं, बिना लाल रंग मेरा वजूद नहीं, बताओ ना मुझे क्या ये लाल रंग इतना गंदा है।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जनता से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर जिला में 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें 179 किलोमीटर मेन रूट है जबकि 181 किलोमीटर सब रूट है। डीएम ने कहा कि 19 जनवरी को लगभग 7,20,000 लोग मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और विश्व को एकजुटता का संदेश देंगे। इसके अतिरिक्त सभी वार्ड एवं जिले के हर स्कूलों में भी स्थानीय लोगों द्वारा इंटरनल मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 100 लोग हिस्सा लेंगे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला बिल्कुल अटूट हो, इसको लेकर पदाधिकारियों द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही डीएम ने तमाम जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने की अपील की। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर जिला से 5 अन्य जिले की सीमाएं टच होती है, एक जिले से दूसरे जिले के बीच समन्वय स्थापित रहे, इसके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाएगा। वहीं डीएम ने कहा कि मानव श्रृंखला के दौरान सुरक्षा, एम्बुलेंस, पानी जैसी मूलभूत चीजों का पुख्ता इंतजाम रहेगा। इसका निर्माण 19 जनवरी को दिन में 11:30 से 12:00 तक किया जाना है और आप लोगों को विश्व की जल जीवन हरियाली के महत्व को लोगों के बीच जागृति फैले, लोग इसके महत्व को समझें और जल और हरियाली को बढ़ाने के लिए जल का संरक्षण, हरियाली का विस्तार, ये कार्यक्रम आयोजित हों, इसके लिए लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार बैठकें की गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगभग हर एक जिले में सभाएं की गई हैं और इस कार्यक्रम को पूरे लोगों के बीच एक आंदोलन का स्वरूप देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और बिहार राज्य इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर के 19 जनवरी को एक मानव श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, इसमें सभी लोग एकजुट होकर यह स्थापित करेंगे कि हम लोग जल और हरियाली को लेकर कितने संवेदनशील हैं, कितने सजग हैं और इसके माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता का प्रचार प्रसार होगा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 27 जनवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव को विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय के निर्देश पर गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। पीआरओ डॉक्टर एसडी झा ने बताया कि 6 फरवरी से 9 फरवरी तक टीएमबीयू की मेजबानी में एकलव्य प्रतियोगिता होगी, इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। वहीं डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो के इस्तीफा को प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने नामंजूर कर दिया। कुलपति ने कहा कि डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो का इस्तीफा सर्वसम्मति से नामंजूर किया गया है। इधर डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि वे केवल डीएसडब्ल्यू से संबंधित कार्य करेंगे, छात्र संघ चुनाव से नहीं। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की नई तिथि घोषित होने के बाद मुख्य चुनाव पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से विभिन्न छात्र संगठन मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र महतो से चुनाव तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद डॉक्टर योगेंद्र महतो ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्य वह नहीं करेंगे। छात्र संघ चुनाव तिथि बढ़ाए जाने के बाद एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण शर्मा ने इसका स्वागत किया है। छात्र संघ के लोग हो चाहे अलग अलग छात्र संगठनों के जो लोग हों, कार्यकर्ता हो, वो कुलपति और डीएसडब्ल्यू दोनों से मुलाकात करके अपनी बातों को रख रहे हैं। पर विश्वविद्यालय जो है एक तरफा सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर चुनाव को एक तरफा कराने के मांग को लेकर अड़ी गए। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वही विश्वविद्यालय है जिसने अपनी मांग और अपनी लड़ाई के लिए यहाँ के विभिन्न छात्र संगठन हमेशा से लड़ते आए हैं और इस बार भी हम लोग अपनी लड़ाई जो है इस विश्वविद्यालय से लेकर संसद और विधानसभा तक लड़ने का कार्य करेंगे। यहाँ के छात्र अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, यहाँ पर किसी सत्ताधारी पार्टी का दबदबा और दबाव हम लोग किसी भी हाल में नहीं सहेंगे। 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर गुरुवार को जीवन जागृति सोसायटी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला परिवहन विभाग के तत्वाधान में आयोजित जागरूकता अभियान में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों को हेलमेट पहनने के फायदे बताए, साथ ही चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने से क्या नुकसान होता है इसकी जानकारी दी। डॉक्टर अजय ने एक बड़े पुतले के जरिए सीट बेल्ट नहीं बांधने पर वाहन चलाते समय कैसे दुर्घटना घटती है इसकी डेमो के माध्यम से जानकारी दी। वहीं डेमो देखने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही आम लोगों से यातायात नियम नहीं तोड़ने की अपील की। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी आरके झा, सुनील सिंह, संगीता शाह समेत जीवन जागृति सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद थे। सप्ताह का छठा दिन था जिसमें हम लोग ने
ड्राइवरों को उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत ये बता रहे थे कि सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है। सीट बेल्ट पहनने से आपकी जीवन का रक्षा हो सकती है। अगर बिना सीट बेल्ट के आप चलते हैं तो एक्सीडेंट के समय आपकी मृत्यु की संभावना 70% बढ़ जाती है, और वही सीट बेल्ट पहन के चलते हैं तो मृत्यु की संभावना 70% कम हो जाती है। आज का कार्यक्रम था सीट बेल्ट का इम्पोर्टेंस। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6 दिन से कार्यक्रम लगातार चल रहा है और जीवन जागृति यातायात परिवहन के साथ लगातार कदम पर कदम मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी एक स्लोगन हमने दिया महिलाओं को कि घर का चाबी सिर्फ नहीं रखिए अपने कब्जे में, गाड़ियों की चाबी भी अपने कब्जे में रखिए, पहले हेलमेट फिर चाबी दीजिए। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक सुल्तानगंज रोड में एक होटल का उद्घाटन किया जो हेलमेट होटल के नाम से जाना जाएगा, और वहाँ जो भी यात्री हेलमेट पहन कर जाएंगे उसे भोजन पर 10% की छूट दिया जाएगा। बांका के अमरपुर राय पोखर के समीप ट्रैक्टर से दबकर एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान राय पोखर निवासी अभिषेक कुमार सिंह उर्फ राजा के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात मृतक राजा पटवन के लिए अपने खेत गया था। इसी दौरान राय पोखर की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर राजा के ऊपर पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल राजा को अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमरपुर पुलिस सब को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर अपराधियों एवं शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के दौरान नाथनगर पुलिस ने बुधवार की देर रात एक कार से 21 पेटी देसी शराब बरामद किया है। दरअसल नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद के नेतृत्व में चंपा पुल के समीप तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लावारिस हालत में खड़ी इंडिका की जांच की गई। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर छिपाकर रखी गई 21 पेटी में बंद 525 बोतल शराब को बरामद किया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि फिलहाल गाड़ी को जब्त कर नंबर के आधार पर वाहन मालिक का नाम पता लगाया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर प्रखंड स्थित बीआरसी परिसर में गुरुवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ नाथनगर इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रंजीत रजक ने की। बैठक के दौरान सभी शिक्षकों ने बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। रंजीत रजक ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग समान काम समान वेतन को पूरा नहीं करती है तब तक सरकार की दमनकारी नीति का शिक्षक विरोध करते रहेंगे। शिक्षकों ने मानव श्रृंखला का पूर्ण बहिष्कार करने की बात कही। मौके पर वीरेंद्र कुमार, अनुपम, राजीव, शशि शाह, रवि कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार ने जो ये शिक्षकों को सड़क पर बेमतलब का खड़ा करने का काम किया है, एक तरफ तो शिक्षकों से जा करके फालतू का खड़ा करेगा और बच्चों को खड़ा किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो है शिक्षकों का वाजिब हक जो समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जाता है, तो अपने मांगों के समर्थन में समान कार्य समान वेतन के समर्थन में और बिहार सरकार के इस मानव श्रृंखला का पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है। भागलपुर के जगदीशपुर में गुरुवार को नवनिर्मित प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डीडीसी सुनील कुमार, सहायक जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, एडीएम राजेश झाराजा एवं एसडीओ आशीष नारायण ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया।
इस दौरान नए सूचना भवन को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। डीएम ने कहा कि नए सूचना भवन से यहां के ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। इसके बाद डीएम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने सभी से पेड़ पौधे लगाने की अपील की। साथ ही डीएम ने 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला में भाग लेने की बात कही। मौके पर बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता, सीओ सोनू भगत, शंकर पासवान, आशुतोष चंद्र मिश्रा, अभय दुबे सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से गुरुवार को भागलपुर के भीकनपुर में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में काफी संख्या में महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ अपने विचार रखे और एकजुट होने की बात कही। हल्लाबोल कार्यक्रम में यास्मीन बानो, जामिया की छात्रा नवा फातिमा, डॉक्टर सुजाता चौधरी समेत कई महिलाओं ने मोदी सरकार के कार्यों की निंदा की। साथ ही CAA और NRC को अखंड भारत के लिए खतरनाक बताया। वहीं जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनसभा के दौरान नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बड़े स्तर पर आवेदन जारी रखने और देश की धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने पर जोर दिया गया। मौके पर अमरा, वर्षा, सुषमा, मोहम्मद नदीम, मुबारक, बबलू, महताब, अधिवक्ता सारिक मंजूर, एनुल होदा, अबुल हसन समेत कई समाजसेवी और महिलाएं मौजूद थीं। इंटरनेट को बंद नहीं किया गया, जामिया के बाहर डायरेक्टली अलीगढ़ के ऊपर अटैक किया जाता है, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे इन्हें लाठी जलाने में, अभी तो पुलिस ने खुद ही कन्फर्म किया कि वो जामिया के अंदर उन्होंने ओपन फायरिंग की है। ओपन फायरिंग आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे खुले तौर से वहाँ पे लोगों ने शूट किया है, लोगों को गोली लगी है, बच्चों को गोली लगी है, बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गोलियां लगी। तो ये कितनी गंभीर बात है अपने आप में, ये आपको हमें समझना बहुत जरूरी है। आज आप एक महीने बाद निकल के आए हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि आप बोले, आप चुप नहीं बैठे। ये जो गुजरात से दो लोग आए हैं जो पूरे देश के अंदर आज नफरत का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में झारखंड के लोगों ने NRC करके दो गुजरातियों को बाहर भेजने का काम किया है, अब अगली जिम्मेदारी बिहार के लोगों की है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। नाथनगर के मेदिनी नगर चौक पर गुरुवार को राजद कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के दौरान राजद नेता पप्पू यादव ने CAA और NRC को देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति के लिए घातक बताया। वहीं तबरेज रामानी ने मोदी सरकार को राम रहीम के रिश्तों को तोड़ने और देश की गंगा जमुनी तहजीब को कलंकित करने वाली सरकार करार दिया। मौके पर कई राजद कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। आज एक दिवसीय धरना का NRC, CC, CA, NDR का पुरजोर विरोध करती है पूरा बिहार की जनता। और मोदी सरकार, ये जब से मोदी सरकार, जब से अमित शाह और मोदी सरकार जब से आया है, पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर दिया है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा के सिर्फ भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहा है। जल जीवन हरियाली को लेकर 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए नाथनगर प्रखंड के तमौनी में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने की। विधायक ने मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण अभियान जल जीवन हरियाली को सफल बनाने की अपील लोगों से की और 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला की कड़ी बनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विधायक ने युवा प्रखंड कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही जदयू प्रखंड अध्यक्ष के रूप में राजेश कुमार चौधरी को मनोनीत किया। वहीं राजेश चौधरी ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए प्रखंड स्तर पर युवाओं को एकजुट किया जाएगा। मौके पर नीरज सिंह, चक्रधर कुमार, अभिषेक सिंह, नीरज सिंह, तपन रंजन सहित काफी संख्या में युवा जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज युवा संगठन को विस्तार होने जा रहा है और इसका उद्देश्य है 19 तारीख जो मानव श्रृंखला बनने जा रही है, मानव श्रृंखला जो बन रही है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आपका दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम यह चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे बिहार में सफल किस ढंग से हो और होगा ही, और नाथनगर प्रखंड में चूँकि युवा एक शक्ति होती है और बिना युवा का कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर कहलगांव SDO सुजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सनहौला प्रखंड परिसर में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी सेविका और मनरेगा कर्मी मौजूद थे। SDO ने कहा कि राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में आम जनों की भागीदारी के लिए क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को जागरूक करें। SDO ने सभी जोनल पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सेक्टर अधिकारी और टीम लीडर के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। वहीं वीडियो अरविंद कुमार ने बताया कि मानव श्रृंखला की सफलता के लिए तैयारी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मोटरसाइकिल रैली निकालकर मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। BEO शिवशंकर सिंह ने कहा कि जल और हरियाली हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बचाव के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। बैठक के बाद प्रखंड परिसर से मोटरसाइकिल रैली एवं पद यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर ओम प्रकाश शर्मा, सुनील कुमार, पवन कुमार, अनिल कुमार सहित काफी संख्या में शिक्षक, सेविका एवं मनरेगा कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित जाली टोला गोविंदपुर में 9 कुंडिया शक्ति महायज्ञ को लेकर गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और घोड़े के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान कलश में गंगा जल भरकर श्रद्धालु नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचे और कलश को यज्ञ कुंड के समीप स्थापित किया। इसके पूर्व कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने फीता काट कर किया। वहीं महायज्ञ के दौरान भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले एवं मनोरंजन के लिए अलग अलग राज्यों से आए स्टॉल लगाए गए हैं। भागलपुर सनौला प्रखंड के पाठकडी गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से गुरुवार को 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं त्रिमुहान गंगा घाट से जल लेकर नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंची, जिसके बाद कथा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश की स्थापना की गई। वृंदावन से पहुंचे कथावाचक स्वामी दिनेशानंद जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा कराने एवं सुनने का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा मात्र से ही सभी तीर्थ सहज प्राप्त हो जाते हैं। भागवत कथा के आयोजन से माहौल भक्तिमय बना रहा। इस दौरान कथा का श्रवण करने काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छ महिला समृद्ध महिला पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, DM प्रणब कुमार ने छात्राओं को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। भागलपुर जिले में 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का होगा निर्माण, 7,20,000 लोग कड़ी बनकर पेश करेंगे एकता की मिसाल। तिलकामांझी विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव स्थगित, कुलपति ने DSW का इस्तीफा किया नामंजूर, PRO ने दी जानकारी। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जीवन जागृति ने चलाया जागरूकता अभियान, DTO ने यातायात नियम नहीं तोड़ने की अपील। और बांका में खेत पटवन करने गए युवक की ट्रैक्टर से दबकर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।